स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पालक पनीर मखाना की एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी सी रेसिपी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पालक पनीर मखाना बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा किलो पनीर और दो गड्डी पालक जिसे हमने साफ करके उबाल लिया है, और यहाँ पे हमने आधा कप के करीब मखाना लिया है। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मखाने रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हमने इसमें डाला है 2 चम्मच घी और घी भी गर्म हो गया है। तो अब इसमें हम लोग मखाने डालते हैं और इसे हम लोग क्रिस्पी होने तक रोस्ट कर लेते हैं हाई फ्लेम। मखाने हमने रोस्ट कर लिए हैं, अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे मसाले रोस्ट कर लेते हैं। तो मसाले में हमने यहाँ पे लिया है 8 से 9 लाल खड़ी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, थोड़ा सा नारियल, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी जावित्री, 1/2 छोटा चम्मच पोस्तदाना। इन सबको हम लोग अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं और मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और हमने यहाँ पे लिया है 2 प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है, लहसुन की कलियाँ और अदरक। तो हम लोग सेम कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम लोग प्याज लहसुन और अदरक डालेंगे, सारे खड़े मसाले। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़े से काजू जिसे हमने 1/2 घंटा भिगो लिया है, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग 2 टमाटर डालेंगे जो हमने कट कर लिया है, मिलाएंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे तो जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाए, मिलाएंगे। और अब इसे हम लोग ढक देंगे मीडियम फ्लेम पे और हल्का सॉफ्ट होने देंगे। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं हम लोग पनीर कट कर लेते हैं। टमाटर, प्याज और सारे मसाले सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे हम लोग ठंडा होने देंगे और तब तक हम लोग पनीर फ्राई कर लेते हैं। हमने पनीर ऐसे कट कर लिया है, तो ये देखिए पनीर हमने फ्राई कर लिया है और मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। तो अब हम लोग इन सबको पीस के इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे मसाले पीस के एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर जो नारियल है वो नहीं पिसाता है तो आप उसे अलग से पीसिए। तो हमने यहाँ पे वही सेम कढ़ाई ली है, उसमें तेल बचा था तो हम लोग इसी तेल में बनाएंगे। अगर तेल कम है तो आप और डाल दीजिए। यहाँ पे 8 से 9 चम्मच तेल है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डाल देंगे तेज पत्ता, तेल गर्म है। अब पिसे हुआ मसाला, तो बचे हुए मसाले हम लोग पानी मिलाएंगे और वो भी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इस सब को अच्छे से मिला देंगे। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच बटर, स्वाद अनुसार नमक, मिला लेंगे। हमने यहाँ पे सारे खड़े मसालों का ही ज्यादा इस्तेमाल किया है। अब इसे हम लोग ढक देंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। और तब तक हम लोग पालक पीस लेते हैं। तो अभी बस 5 मिनट हुआ है, हमें इसमें पालक ऐड करनी है। तो पालक हमने पीस ली है, अब इसमें हम लोग पालक डालेंगे। अब इसमें हम लोग मावा डालेंगे 25 ग्राम के करीब, मिला लेंगे। अब इसे धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट तक और पका लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गया है, अब इसमें हम लोग मखाने ऐड करेंगे, मिलाएंगे। और अब इसमें हम लोग पनीर ऐड करेंगे, मिला लेंगे। इसे भी लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे गरम पानी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज्यादा। अब इसे मिलाएंगे, अब इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है, पालक पनीर मखाना बनके तैयार है। अब चलिए इसे हम लोग सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी, एकदम हेल्दी
पालक पनीर मखाना बनके तैयार है। ऊपर से हमने इसमें मलाई डाली है जो देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा जो बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान और हेल्दी है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।